Good morning, students. Welcome to Al-Hidayah Public School YouTube channel. आज आपकी क्लास क्लास फिफ्थ की होगी, जिसमें वो मैथ्स की क्लास पढ़ेंगे. इस क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि जब आपको कभी ग्रेटर डिजिट्स के नंबर दिखाई दें और आपसे उनका नाम पूछा जाए या उन्हें वर्ड्स में लिखने के लिए बोला जाए, तो आप उन्हें किस तरह से बहुत आसानी से लिख सकते हैं. क्योंकि जब आपके सामने 100 लिख कर आता है तो आप बहुत आसानी से कह देते हैं कि ये 100 है. 101 आता है तो आप उसे बोल सकते हैं आसानी से कि ये 101 है. इसी तरह से अगर 1000 लिखा होगा तो भी आप उसको पढ़ सकते हैं बहुत आसानी से कि ये 1000 है. ऐसे ही 4 डिजिट 5 डिजिट तक के नंबर्स आप आसानी से पढ़ लेते हैं. लेकिन अगर आपको कोई और ग्रेटर नंबर आपके सामने लिख दिया जाए जिसमें 9 डिजिट 10 डिजिट हो, अब उसको आपको पढ़ने के लिए कहा जाए, तो आप उसे कैसे पढ़ेंगे? हो सकता है कुछ बच्चों को ये बात आती हो, लेकिन फिफ्थ स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए ये उनका बेसिक कंसेप्ट है. इसलिए आज मैं आपको नंबर्स जो ग्रेटर डिजिट में होते हैं उन्हें किस तरह से पढ़ना है, उसके लिए नंबर सिस्टम को डिवाइड किया गया है 2 टाइप्स में. फर्स्ट सिस्टम है इंडियन सिस्टम एंड सेकंड सिस्टम है इंटरनेशनल सिस्टम. अब हम जानेंगे कि किस तरह से ग्रेटर डिजिट के नंबर्स को इंडियन सिस्टम में और इंटरनेशनल सिस्टम में लिखा जाए. यस, अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं. आपका टॉपिक, जैसे कि आप जान चुके हैं, कि इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम को आज आपको जानना है. जैसा कि आपकी स्क्रीन पर 2 टेबल दिखाई दे रही हैं, जिसमें सबसे ऊपर की टेबल और नीचे की टेबल में कुछ डिफरेंस भी नजर आ रहे होंगे आपको. ऊपर की टेबल में आपके जो कॉलम्स हैं वो आपके वंस, थाउजेंड्स, लैक्स और करोड़ में डिवाइड है. नीचे की टेबल में जो आपके कॉलम्स हैं वो वंस, थाउजेंड्स और मिलियंस जैसे वर्ड्स में डिवाइड है. इसका मतलब कि कुछ नंबर्स को लिखने का सिस्टम ये भी हो सकता है और नंबर्स को लिखने का सिस्टम ये भी हो सकता है. जब नंबर 1000 लैक्स और करोड़ के फॉर्म में लिखे जाएंगे तो वो सिस्टम आपका इंडियन सिस्टम कहलाता. जब नंबर्स वंस, थाउजेंड और मिलियंस के फॉर्म में लिखे जाएंगे तो वो आपका इंटरनेशनल सिस्टम कहलाएगा. अब हम लोग एक बार फिर से अपनी टेबल की तरफ चलते हैं. जो कॉलम्स हमने वंस, थाउजेंड, लाख्स और करोड़ में डिवाइड किए हैं वो भी फर्दर डिवाइड हुए हैं. इनको हम 1 by 1 पढ़ते हैं. अगर कोई नंबर जो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट का हो, तो उसका जो सबसे राइट साइड पे नंबर है वो वंस प्लेस पे होगा, उसके बाद टेंस प्लेस, उसके बाद उसे हंड्रेड्स प्लेस, फिर थाउजेंड प्लेस, फिर टेंस प्लेस, फिर लैक्स, 10 लैक्स, करोड़ एंड 10 करोड़ पढ़ा जाएगा. अभी इस टेबल के लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताऊंगी जिससे आपको सिस्टम्स को बहुत आसानी से समझ लेंगे आप. इसके बाद अगर हम इंटरनेशनल सिस्टम की बात करते हैं तो उस सिस्टम में ये जो वंस, थाउजेंड और मिलियंस के कॉलम्स हैं वो सारे कॉलम्स 3 3 पार्ट्स में डिवाइड हैं. जैसे इसमें 1 10 100 1000 का कॉलम 1000 10000 100000 में डिवाइड है. इसी तरह से मिलियंस का कॉलम मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन में डिवाइड है. यानी जब भी आप नंबर्स को लिखें अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, तो आप सिस्टम्स का ध्यान रखेंगे कि किस सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको नंबर लिखने के लिए कहा जा रहा है. अब हम आपको कुछ क्वेश्चंस देंगे जिनको आपको सॉल्व करना होगा. नेक्स्ट स्लाइड में आपके लिए मैंने कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस लिख रखे हैं. राइट द फॉलोइंग नंबर इन वर्ड्स, ब्रैकेट में लिख रखा है इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम. यानी आपकी
जो एक्सरसाइज आने वाली है फिफ्थ क्लास में, उसमें क्वेश्चंस इस तरह से होंगे जहां पर कुछ लार्जेस्ट डिजिट के नंबर लिखे होंगे और उन्हें आपको इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम के फॉर्म में लिखना होगा। आपको ये एक्सरसाइज मैं होमवर्क के लिए दे रही हूँ, लेकिन उसका एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ कि कैसे आप उसे सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम आपका क्वेश्चन का ए पार्ट लेते हैं, जिसमें आपको एक नंबर दिया है जिसमें 2625392। अगर आपसे कोई ये बात बोले कि बेटा इस नंबर को आप रीड करके बताइए, तो आप इसे कैसे रीड करेंगे? सबसे पहले तो आपको इन 9 डिजिट्स के नंबर्स को किस तरह से लिखना है। अब आपसे वो ये भी बोल सकते हैं कि इंडियन सिस्टम में लिखिए या इंटरनेशनल सिस्टम में। तो जब आपसे बात की जाए इंडियन सिस्टम के लिए, तो आप अपनी जो टेबल आपने पहले पढ़ी थी इंडियन सिस्टम की, सबसे पहले आप वो बना लेंगे, इंडियन सिस्टम। क्या टेबल का फॉर्मेट था? आपको नंबर्स को डिवाइड किया गया था 1, 10, 100, 10,000, lakh, 10 lakh and crore। करोड़ के बाद 10 crore भी जाएगा। यहाँ पे हमारे पास डिजिट कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और हमने यहाँ पर टेबल में कितने नंबर्स लिए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। हमारे पास डिजिट 8 है, तो हमने इन्हें 8 कॉलम्स में डिवाइड कर लिया है। अब हमने इंडियन सिस्टम की टेबल का फॉर्मेट फॉर्म कर लिया। इसके बाद अब जो भी नंबर हमारे पास गिवन है, उस नंबर को इन बॉक्सेस में पुट कर देंगे। पुट करने के बाद देखिए अब हम कैसे नंबर्स को पुट करेंगे। जैसे हम लोग हमेशा राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, वंस प्लेस पे हम जो राइट साइड पे नंबर होगा सबसे पहले उसको लिखते हैं। यानी वंस प्लेस की जगह कौन सा नंबर दिया है हमारी 8 डिजिट में, 2, तो हमने यहाँ पर 2 लिख दिया। टेंस प्लेस पे कौन सा नंबर दिया है, 5, तो हमने इसे 5 लिख दिया। 100 प्लेस पे कौन सा नंबर दिया है, 9, एंड 1000 प्लेस पे 3, 10,000 प्लेस पे 5, लाख प्लेस पे 2, 10 लाख के प्लेस पे 6 और करोड़ के प्लेस पे 2। ये तो हमने टेबल में इसको फिल कर लिया। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये तरीका है। अब जब हम इसको वर्ड में लिखेंगे तो हमारे लिए बहुत आसानी होगी। हम टेबल के फॉर्मेट को देखेंगे और इस नंबर को रीड करेंगे। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे करोड़ की प्लेस पे कौन सा डिजिट लिखा हुआ है, 2। यानी इस नंबर को हम रीड करेंगे 2,62,53,952। यानी जब हम इंडियन सिस्टम में लिखेंगे तो ये नंबर क्या बोला जाएगा वर्ड्स में, 2,62,53,952। इस तरह के नंबर्स आपने हमेशा अपने बैंक में जब आप अमाउंट फिल करते हैं तो आपको इस तरह से वर्ड्स में भी लिखने के लिए पूछते हैं नंबर्स को, और डिजिट में भी। तो जब वर्ड्स में पूछेगा तो आप उन नंबर्स को
ऐसे फिल करेंगे और आप आइडेंटिफाई करेंगे, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इसी तरीके से अगर आपको सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग कहा जाएगा, तब आप उसे सॉल्व करने के लिए मैं इसी टेबल में ही इंटरनेशनल सिस्टम को अगेन आपको बताना चाहूंगी कि अगर अब आप इस नंबर को इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखना चाहते हैं, तब आपका जो टेबल का फॉर्मेट था, जो आपको क्लास के पहले बताया गया था, उसमें क्या था, 1, 10, 100, 1000, 10,000 और 100,000, फिर लाख एंड 10 लाख। हंड्रेड थाउजेंड के बाद मिलियन और 10 मिलियन। चलिए एक बार हम लोग टेबल रिवर्स करते हैं, एक बार उस टेबल से हम लोग फिर से समझते हैं। ये देखिए आपको टेबल में लिखा था 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, 1,000,000, 10,000,000। आपको यहाँ पर सिर्फ एक डिजिट तक ही लिखना है, तो हमें 100 मिलियन वाला कॉलम बनाने की जरूरत नहीं थी, तो इसलिए, और हमारे पास यहाँ स्पेस भी कम लग रहा है, तो हमने इसे नहीं बनाया। हम सिर्फ 1, 10, 100, 1000, 10,000, 1,000,000, 10,000, 100,000, 1,000,000 and 10,000,000 तक ही गए। यस, अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पर। अब जब हम देखेंगे तो वंस प्लेस पे हमें क्या लिखना है, एज इट इज 2, टेंथ प्लेस पे 5, 100 प्लेस पे 9, 1000 प्लेस पे 3, 10,000 प्लेस पे 5 और 100,000 प्लेस पे 2, मिलियन प्लेस पे 6 एंड 10 मिलियन प्लेस पे 2। अब इसका जो नाम होगा इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग, अब ये क्या हो जाएगा, 26 मिलियन। इसके नाम को हम चेंज करेंगे, अब ये इसका नाम नहीं होगा, ये हम इसे कट कर देते हैं। अब इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग इसका नाम क्या हुआ, 26 मिलियन M-I-L-L-I-O-N, 2,253,952। ये अब नंबर आपका चेंज होकर इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग वर्ड में लिख। इस तरह से आपको जो मैंने क्वेश्चन नंबर बी सी और डी दिया है, अब आप इसे इतना सॉल्व करके अपने कमेंट्स में हमें अपने जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो आप कर सकते हैं, और आप अपनी आंसर शीट व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।